दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिनोमो ट्रेडिंग एप्लीकेशन के बारे में, जिसकी डिमांड मुझे एक हमारे सब्सक्राइबर दोस्त ने की है। उसने मुझे ये इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल भेजा है। उसने कहा कि क्या सच में प्रवीण भाई, बिनोमो एप्लीकेशन जो कि बाइनरी ट्रेडिंग पर बेस्ड एप्लीकेशन है, जहां पे आपको यस नो प्रेडिक्शन करना पड़ता है सिर्फ, और क्या सच में इससे लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं? क्योंकि इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल में ये साफ मेंशन है कि बिनोमो से आप घर बैठे अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। तो इसके पीछे का सच क्या है, मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर कोई बिनोमो से कमा सकता है तो कितने कमा सकता है, क्या बिनोमो एप्लीकेशन कोई फ्रॉड स्कैम तो नहीं है, वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप इस तरीके की एप्लीकेशन पे पैसा कमाने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आसान बहुत दिखती है, लोगों को बहुत ज़्यादा बताया जाता है कि इतने कमा लोगे उतने कमा लोगे, बट पूरा सच जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, जो कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इस वीडियो को लास्ट तक देखें। एवरीबॉडी व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब? मैं प्रवीण आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इसी तरीके के वीडियो जब भी हम लेके आए आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। बात कर रहे हैं बिनोमो की, दो ऑप्शन होते हैं। तो पहले क्या करना पड़ता है आपको, यहाँ पे कमोडिटी सिलेक्ट करनी पड़ती है। कमोडिटी जैसे कि या बिटकॉइन सिलेक्ट कर लो, या फॉरेक्स का कोई करेंसी सिलेक्ट कर लो, या कोई और सिलेक्ट कर लो वहाँ पे। उसके बाद आपने मान लो यहाँ पे बिटकॉइन सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आपको एक उसमें बताना पड़ेगा कि भाई ये पर्टिकुलर टाइम में उसकी वैल्यू अप जाएगी डाउन जाएगी, ठीक है। बड़ा ही आसान काम दिख रहा है आप लोगों को, भाई आपने बता दिया कि भाई इस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद उसकी वैल्यू अप जाएगी, तो आपने जितने भी पैसे लगाए हैं वो पैसे इनफैक्ट एक तरीके से डबल हो जाएंगे। अगर नहीं आपने यहाँ पे प्रिडिक्शन सही किया, वैल्यू डाउन चलेगी आपने जो टाइम बताया, तो यहाँ पे आपके पैसे खत्म हो जाएंगे। 50-50% चांस है आपके पास, इसलिए इसको बाइनरी ट्रेडिंग कहते हैं। दिखने में बड़ा आसान दिखता है दोस्तों, यहाँ पे लोगों को लगता है कि लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं, मतलब बिना कुछ करे बिना ज़्यादा नॉलेज के लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं। इनफैक्ट उस बंदे ने जिसने मुझसे क्वेश्चन किया, उसने ये भी कह दिया कि प्रवीण भाई क्या मैं इसको फुल टाइम कर सकता हूँ? तो यार यहाँ पे बड़ा मतलब लोगों का दिमाग में कमी है। देखो यार, बाइनरी एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूँ या बिनोमो की बात करूँ, तो दो तरीके के लोग मिलेंगे आपको। एक वो होंगे जो कहेंगे कि इससे लाखों रुपए हमने कमा लिए या इससे बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। एक वो होते हैं दोस्तों जो कहते हैं कि स्कैम है, पैसा नहीं कमाया जाता, लॉस हो जाता है, जो भी है। तो यहाँ पे मैं न्यूट्रल होके जो चीज़ है आप लोगों को बताना चाहूँगा, उसके लिए मैं आपको इनकी एप्लीकेशन पे लेके जाना चाहूँगा, और मैं आपको सारी जो चीज़ें हैं वो वही बता देता हूँ कि भाई इससे कमाया जा सकता है तो कितना कमाया जा सकता है, क्या पोटेंशियल है, जिससे कोई भी बिनोमो को या इस तरीके की एप्लीकेशन को यूज़ करे तो उसको प्रॉपर नॉलेज हो, ठीक है। तो चलते हैं मेरी मोबाइल स्क्रीन पे, वही ज़्यादा चीज़ें जान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हम बिनोमो की एप्लीकेशन पे आ चुके हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें काम कैसे करती है वो बताना चाहूँगा। कि मतलब सबसे पहले तो आप अपना अकाउंट बनाओगे, अगर आपने किसी ने यूज़ करना है। यहाँ पे ग्राफ ऊपर नीचे जा रहा है, तो आपको यहाँ पे बताना पड़ता है कि कमोडिटी सिलेक्ट करने के बाद या एसेट सिलेक्ट करने के बाद कि उस एसेट या उस कमोडिटी की वैल्यू ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। तो एसेट सिलेक्शन के लिए ऊपर देखो, आपके लिए ऑप्शन दिया हुआ है एसेट का। यहाँ पे आप देखोगे यूरो, यूएसडी, क्रिप्टो, इसके अलावा और भी बहुत सारे जो यहाँ पे यू नो आप लोगों को एसेट और कमोडिटी दी हुई है। जैसे मान लो आपने यहाँ पे बिटकॉइन सिलेक्ट कर दिया है, क्रिप्टो सिलेक्ट कर लेते हैं, क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन एक तरीके की करेंसी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि क्रिप्टो करेंसी को सिलेक्ट करने के बाद इसका ग्राफ जो है ऊपर नीचे जा रहा है। और दोस्तों ये हर किसी कमोडिटी या एसेट के साथ होता है कि उसका ग्राफ ऊपर नीचे जाता है। तो यहाँ पे ये एप्लीकेशन क्या कहती है कि आप प्रेडिक्शन करके बताओ कि भाई ये पॉइंट के बाद इसकी वैल्यू ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। आपने लगा कि भाई आपने कहा कि भाई अप जाएगी, और आपने इस पर अप पे क्लिक कर दिया और आपका प्रेडिक्शन सही साबित हुआ, तो आप यहाँ पे अर्न करते हो। हमने यहाँ पे कुछ प्रेडिक्शन किए थे, उसकी हमने रिकॉर्डिंग पहले कर ली थी, तो वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि चीज़ें कैसे होती है, उसके बाद आगे की बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को एक ट्रेड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने एसेट को चूज़ किया, यहाँ पे उसके बाद प्राइस मेंशन कर लिया कि कितना पैसा हम यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहेंगे। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे प्रेडिक्शन करना पड़ेगा कि भाई प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो जिस हिसाब का ग्राफ है, ग्राफ को देख के प्रेडिक्शन होती है, तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि भाई प्राइस जो है आप देख सकते हैं कि नीचे जाना चाहिए इस पॉइंट के बाद। तो हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउन वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया है। अब इस पॉइंट के बाद अगर प्राइस नीचे जाता है तो जो 200 रुपये हमने इन्वेस्ट किए हैं उसमें हमें अर्निंग होगी, और अगर प्राइस ऊपर जाता है तो हमें लॉस होगा। तो अर्निंग 200 रुपये से 380 रुपये की हो जाएगी, मतलब 180 रुपये का मुनाफा हो जाएगा, ऑलमोस्ट डबल का ही मुनाफा है, और उसी हिसाब से आपका लॉस भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो हमने आप देख सकते हैं प्रेडिक्शन जो की है उसमें हमें प्रॉफिट हुआ है दोस्तों। और एक और प्रेडिक्शन करके देखते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा अमाउंट बढ़ाता हूँ दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो है 700 रुपये का अमाउंट कर लिया है,
और मुझे इस बार भी लग रहा है जिस हिसाब से प्राइस सडनली अप गया है, आने वाले समय में नीचे जाना चाहिए प्राइस। तो यहाँ पे हमने जो है डाउन वाला ऑप्शन या सिलेक्ट कर लिया है। आप देख सकते हैं चार्ट मूव कर रहा है और आप देख सकते हैं इस बार भी जो है हमारा यहाँ पे प्रेडिक्शन सही साबित हुआ और हमारे 700 के हमारे ऑलमोस्ट जो है आप कह सकते हैं कि डबल अमाउंट हो गया है। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने इस तरीके से, मतलब अगर कोई सही प्रिडिक्शन करता है तो वो प्राइस जीत सकता है और गलत प्रिडिक्शन करेगा तो यहाँ पे वो हार भी सकता है। ठीक है, हर एसेट के सामने आप देख सकते हैं कि उसका यहाँ पे क्या रिटर्न मिलेगा वो दिया हुआ है। तो किसी को यहाँ पे पैसे डिपॉजिट कराने तो वो डिपॉजिट पे क्लिक करके पैसे अपने जो है डिपॉजिट भी करा सकता है। इसके अलावा कोई यहाँ पे पैसे जीतता है और उसको अपने पैसे यहाँ पे निकालने हैं तो बैलेंस में जाके दोस्तों आप विड्रॉ के ऑप्शन पे क्लिक करके जितने भी आपके पास पैसे हैं वो यहाँ पे विड्रॉ भी कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, विड्रॉ के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जितना भी आपके पास पैसा अकाउंट में होगा उसको आप डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट वगैरह में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा पेटीएम वॉलेट वगैरह में भी ले सकते हैं, नेट बैंकिंग है तो उससे भी ले सकते हैं, या इंडियन एक्सचेंज बैंक में ट्रांसफर कराना है तो वो भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन आपके पास सारे ये अवेलेबल करा देती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है समझने वाली, वो ये है कि क्या इस एप्लीकेशन से सच में पैसे कमाए जा सकते हैं। देखो यार, सिंपल सी बात है, जितने भी तरीके के इन्वेस्टमेंट हैं उन सभी में रिस्क इन्वॉल्व है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिस्क है, मैं आपको क्लियर बात बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे कि आपकी अर्निंग भी ज़्यादा होती है तो रिस्क भी ज़्यादा है। अभी अगर आप ऐसा सोचते हो कि मैं इससे महीने के लाखों रुपये कमा लूँगा और यहाँ पे अमीर करोड़पति बन जाऊँगा तो आप बहुत गलत सोच रहे हो, तो उस केस में तो आपके साथ स्कैम होना ही होना है। बट अगर आप सोचते हो कि भाई मुझे यहाँ पे, मान लो किसी को यहाँ पे किसी के पास 100 रुपये हैं, 200 रुपये हैं, 500 रुपये हैं, उसने जस्ट फॉर द सीखने के लिए ट्राई करने के लिए यहाँ पे उतना पैसा इन्वेस्ट किया और आप अगर उस पैसों से कुछ अर्निंग करते हो उसको आप री इन्वेस्ट कर दो, राइट। मैं आपको नहीं कह रहा कि आपको पैसे लगाने नहीं लगाने, वो आपकी चॉइस है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि अगर इस तरीके की एप्लीकेशन से पैसा कमाना है तो यही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आपको छोटा छोटा अमाउंट आप पहले इन्वेस्ट करके देखो, अगर आपको प्रॉफिट होता है तो उसी प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कर लो। जैसे मान लो यहाँ पे आपने 500 रुपये इन्वेस्ट किया, आपके यहाँ पे 800 रुपये हो गए, 900 रुपये हो गए, जो भी हुआ, उसके बाद आपने क्या करना है, उसमें से यहाँ पे अपने 500 रुपये को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लेना है। तो मतलब आपने जो 500 रुपये लगाया था वो सेफ है और जो भी आपके पास 400-500 रुपये जो प्रॉफिट हुआ था उससे आप वापस से री इन्वेस्ट करते रहो। प्रॉफिट होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो बस। तो आप में से कोई अर्निंग करना चाहता है तो मेरी इस सजेशन पे ज़रूर गौर करिएगा। जहाँ तक अर्निंग की बात है, करने वाले करते भी होंगे, जहाँ तक स्कैम की बात है तो जो यहाँ पे लालची लोग हैं जो सोचते घर चल जाएगा, उनके साथ तो दोस्तों स्कैम होना ही होना है, क्योंकि रिस्क इन्वॉल्व है यहाँ पे भी, राइट। तो इस चीज़ को दोस्तों ध्यान रखना। सो देखा दोस्तों आप लोगों ने इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें काम करती है। अगेन मैं ये कहूँगा, यूज़ करना नहीं करना आपकी चॉइस है, किसी ने आपसे ज़बरदस्ती नहीं की है, बट अपना कॉमन सेंस ज़रूर यूज़ करो। और जैसे दोस्तों बाकी जगहों में सीखना बहुत ज़रूरी है, अगर किसी को यहाँ से भी कमाने हैं, चाहे कुछ भी आप कमाओगे तो यहाँ पे भी आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। सीखोगे तो कमाओगे, वरना रिस्क सभी में है, ठीक है जी। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को चीज़ें समझ आई होंगी। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यही खत्म करता हूँ दोस्तों। अगर कोई आपके सवाल है, क्वेश्चन है तो आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं नीचे कमेंट बॉक्स में। मैं आप लोगों से जल्दी मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।